दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पल्लव एंड दिस इज़ फ्लाइंग कैरावंस। सो आज का वीडियो है KTM RC 125 BS6 के बारे में। तो ये देख सकते हो आप KTM RC 125, साइड में RC 200, उसके साइड में RC 125, उसके साइड में RC 200। तो ये दोनों बाइक एकदम सेम टू सेम डिज़ाइन के साथ है, सिर्फ थोड़ा सा कलर अलग है। तो ये जो कलर है 125 का, तो ये थोड़ा सा टीनेजर जो राइडर है उनके लिए, उनके ऊपर फोकस करके ज़्यादा बनाया गया है। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है वो यूज़ कर सकते हैं इस बाइक को डे टू डे कॉलेज जाने के लिए। स्ट्राइकिंग है, आई कैची है एंड ऑब्वियसली KTM का ब्रांड है तो दिखने में तो अच्छा लगेगा ही। एक अलग ही क्रेज़ है, आप जानते ही हो, लड़कियाँ भी KTM के ऊपर मरती है। एंड या मेरे कॉलोनी में भी बहुत सारे लड़कियाँ हैं जो KTM करती है। तो बाइक को ले सकते हो आप, लुक बहुत ही अच्छा है एंड कलर स्ट्राइकिंग है। व्हाइट कलर में ये बाइक है, ऑरेंज इसका व्हील ऑरेंज है एंड फ्रेम इसमें ब्लैक ही यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर RC का लोगो, नीचे इसका जो काउल है थोड़ा सा चेंज किया गया है, छोटा किया गया है। RC 200 का भी सेम है लेकिन 390 का थोड़ा अलग है। तो RC 200 एंड 125 का सेम है। इंजन की बात कर लेते हैं, 124.7 cc सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve DOHC लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्शन BS6 कंप्लाइंट इंजन है। 14.5 bhp का पावर एंड 12.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिलेगा। टैंक है इसका 9.5 लीटर जो कि 40-45 किलोमीटर का माइलेज आपको दे देगा अगर आप ठीक से बाइक को चलाओगे। एंड सब कुछ LED है, 12 वोल्ट का मेंटेनेंस फ्री बैटरी है इस बाइक में, प्रोजेक्टर है इस बाइक में LED DRL के साथ, LED इंडिकेटर एंड LED टेल लाइट भी है इस बाइक में। गाड़ी का जो वेट है 154 kg। पीछे आप देख सकते हो LED इसका टेल लाइट एंड इंडिकेटर भी इसका LED है। टायर साइज सामने का है 100x70-17 एंड पीछे है 150 मतलब 150x60-17 का टायर जो कि 125 cc के हिसाब से ज़्यादा ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। LED इंडिकेटर पीछे से आई कैची लगता है बाइक बहुत ही। एंड यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा, डुअल चैनल ABS यहाँ पे नहीं मिलता। RC 125 में सिंगल ही आता है, 200 में आपको डुअल चैनल मिलेगा जो कि BS6 के साथ आया है, लेकिन 125 में सिंगल चैनल। रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोटेक्शन आपको मिलेगा ज़रूर, तो थोड़ा सा सुपर मोटो ABS की तरह ही ये काम करता है। तो गाड़ी आप देख लो, बहुत ही अच्छा है दिखने में गाड़ी, मुझे तो ये कलर अच्छा लगा। पहला जो कलर है RC 125 का वो भी बहुत ही अच्छा था, वो भी अगर रख देता KTM तो अच्छा ही होता। जो इसका मीटर है सेम है 200 की तरह, हैंडल बार सेम है एंड RC 200 की तरह इसमें भी हैंडल बार का कोई वेट यूज़ नहीं किया गया है। तो वीडियो में और थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए एंड ऑन रोड प्राइस इसका क्या है वो जानने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि फाइनेंस रिलेटेड वीडियो ये नहीं है, ये स्पेसिफिकेशन वॉक अराउंड एंड ऑन रोड प्राइस में बोल दूंगा इतना ही है। फाइनेंस रिलेटेड वीडियो अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा क्योंकि बहुत सारा जो कंज्यूमर से कस्टमर से वो फाइनेंस ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि एकदम बहुत सारा पैसा उनके पास नहीं आता तो हार्ड कैश में वो नहीं ले सकते, तो फाइनेंस उनके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। एंड आप जानते हो दी फ्लाइंग कैरावंस एक लौता ऐसा चैनल है जहाँ पे हर एक बाइक का फाइनेंस रिलेटेड जो क्वेरीज है वो कवर करने की कोशिश करते हैं हम। तो KTM का जो BS6 लाइनअप है, सीरीज है, इन सब का जो फाइनेंस रिलेटेड क्वेरीज है वो भी क्लियर करेंगे ताकि आप घर बैठे ही जान पाओ कि कौन से बाइक का कितना EMI पड़ेगा, उस हिसाब से आप एक्शन ले पाओ, उस हिसाब से आप अपना बजट बना सको। तो ये दी फ्लाइंग कैरावंस का एक खासियत है, आप बोल सकते हो फाइनेंस में बहुत ज़्यादा हम फोकस करते हैं। ठीक है, इसका ऑन रोड जो प्राइस है अकॉर्डिंग टू MS बजाज नहाटी कोलकाता में आपको 182,000 rupees ये ऑन रोड में आएगा। तो 182,000 rupees में आपको क्या मिल रहा है, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, देखो पर्सनल चॉइस है। कोई किसी को KTM बहुत पसंद है एंड कोई कोई लोग सिर्फ प्राइस के बारे में देखते हैं कि 182,000 में मुझे लेना चाहिए नहीं चाहिए। आप KTM का फैन बॉय हो तो ले सकते हो एंड KTM एक अच्छा दिखने वाला बाइक है, तो अच्छा दिखने वाला बाइक अगर आप लो बजट में चाहते हो तो KTM 125 RC 125 आपके लिए है, आप ले सकते हो, ज़रूर ले सकते हो एंड टेस्ट राइड भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, मिलेंगे आपसे और एक वीडियो में। कमेंट करके बताना इस बाइक को आप लेना पसंद करोगे या नहीं करोगे BS6 में। ऑलवेज थिंक हाई एंड फ्लाई हाई।